सरकार कश्मीरी हला
महाराज और राधावन आ चुके हैं। महाराज के पैसे के पास नज्जी सिंह बोलिए महाराज, राज का क्या समाचार है? महाराज श्याम के राज में राजा राज कर रही है और प्रजा खुशहाल है। महाराज यही तुमसे उम्मीद है रंजीत, ये बताओ किसानों का क्या समाचार है? सुनिए महाराज, किसानों के बारे में आपसे बता रहा हूं। Yeah.
बता दें, काम करके थक गए हैं बेटा। हाँ बेटा, तब तक तो नहीं खान गोलियां तो हम आराम करिए बेटा। अब हमारे पास कना है कौन का गोल भाई चल रहा ये बेटा का हमार कपार बहुत पीड़ा था बेटा दबाए दे हाँ बेटा ये ये साला इतनी बड़ी इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि आपके सामने देखकर नमस्कार करे। देख रहा हूँ रंजी, ठीक है, इसे समझाता हूँ अच्छी तरह से। ठाकुर साहब चलकर करो ना करी
याद कर जा हमारा अभी। फुर्सत मांग रहा है रंजीत सिंह। मैं इस समय कहां से आपका पैसा चुका हूं? मेरे पास एक पैसे नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मरे हैं। तेरे बच्चे भूखे मरे यहाँ रहे मुझसे नहीं वैसा, मैं अपने पैसा का जिम्मेदार हूँ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब मुझे आप दो दिन की मोहलत दीजिए। मैं चाहता हूँ एक दिन की भी फुर्सत तुझे नहीं मिलेगी। रंजीत सिंह, मैं दूरी करके आपका चुका दूंगा। ठाकुर साहब, रंजीत सिंह ऐसे नहीं मानेगा हरामजादा, इसे 50 करोड़ लगाओ, इसके बाद हथकड़ी लगाकर महल में ले चलो। हे भगवान, मैं कितना बड़ा गुजारा हूँ आपका भगवान। बिल्कुल ये बेटा साले पैसा दे रहा है, यहाँ मेरी ले चलो साले, किसी हंटर मारते मारते जब पैसा मेरे पता हंटर मारते जब हाल कर दो। बहुत जाम में हाल कहता है फुर्सत। यह हरामजादा जब तक 2 महीने में कर्जा नहीं दे पाया तो 2 दिन में क्या दे देगा। ठीक है हरामजादे, अभी तेरा महल में अच्छे खाते दादे। ठीक है मैं जा रहा हूं। अरे परिवार नहीं है कर्जे समाना जितेंद्र, छोटे बेटे का नाम अमृत, मेरे पति नौकरी करते हैं, बड़ा गरीब परिवार है मेरा।
इसी तरह मेहनत मजदूरी करके मेरे पति घर को चलाते हैं। सुबह गए काम करने, अभी तक आया नहीं, न जाने की आवाज, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। खुश रहो राम भरस, राम भरस, ये बताओ तुम्हारे चाचा अभी तक आए नहीं काम करने गए? ए चाची, आज खेतों में काम ज्यादा रहा तो सकल चाचा लेट से हुआ। क्या बताओ राम भरस, न जाने के आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तुम्हारे काका गए काम करने, सुबह से कुछ खा के भी नहीं गए, अभी तक आए नहीं। राम भरस, राम भरस, ये बताओ अमृत बेटा आया कि नहीं आया? आज छुट्टी हो गई रे, बहुत हो गया वो गाड़ी मत पर। ठीक है, मैं इंतजार कर लेती हूँ अमृत बेटे का। माँ, मेरी माँ आज क्यों इतना उदास बैठी है, आखिर बात क्या है? अरे माता जी है या पिता, अरे चेहरा
खेतों में काम ज्यादा होगा, इसलिए पिताजी को देर हो गई। आते ही होंगे माँ, क्यों इतना घबरा गई माँ? मेरे लाल, तुम्हारे बाबूजी तुम्हें से खा के मिलेंगे, इसलिए मुझे घबराहट हो रही है। जानती हो माँ, अगर थोड़ा सा भी काम रह जाता है तो पिताजी आते नहीं है, उसको पूरा करके आते हैं। आते ही होंगे माँ, आराम करो माँ। ठीक है लाल, इंतजार कर लेते हैं। आओ चलो। अरे राम भरोस, हाँ हफने की बात तो है, मैं आपसे क्या बताऊँ, ये पहले बताओ बरकू चाचा के घर कहाँ है? बरकू चाचा घर कहाँ बात? बरकू चाचा घर ही है, उनके घर में है कोई बनाई है तो? बरकू चाचा गाँव में बने बन गए ना, खेत जोता है। अमृत तुम है कि नहीं? हाँ चाची हुआ, अमृत भैया हूँ मैं, जरा बता दीजिए। माँ माँ देखो घर पे हमारे कौन आई हुई है। अरे अरे टिकराल जी, अरे माता जी, टिकराल जी, माता जी आज इस गरीब दुखिया के घर कैसे आने हो टुकराई जी? अगर कोई काम था, अगर कोई काम था तो बुला लिया होता टुकराई जी, बुला लिया होता। उनसे क्या करते हो टुकराई जी, जो आपको यहाँ आना पड़ा। माता जी ये आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? आपकी जगह मेरी पैर में नहीं है, आपकी जगह मेरे दिल में है, आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? माता जी बड़ी अफसोस की बात यह है, क्या चाहती हूँ माता जी? क्या बात है टुकराई जी? मेरे पिताजी अमृत को बाबू जी को कैद करके ले गए। काकी मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? माँ अमृत बेटा, अमृत बेटा ये क्या सुन रहे हैं? मैं तुम्हारे बाबूजी को ताकुस ताकुस करके ले गया, या भगवान मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आखिर क्यों ले गए हैं ठाकुर साहब, कुछ तो पता होना चाहिए माँ। अमृत बेटा तुम्हारे बाबूजी ठाकुर से 500 रुपया कर्जा लिया, वो कर्जा ना दे सके इसलिए तुम्हारे पापा जी के घर पैसे ले गया। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा माँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम भी नहीं था। बेटा मैं किसके आगे हाथ फैलाने जाऊँ, किसके घर जाऊँ, मैं पैसा कहाँ से लाऊं तेरे लाल, तुम्हारे पापा जी को चुराने के लिए? मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ से लाऊं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे पिताजी को छुड़ा कर लाऊं, कहाँ से पैसे लाऊं? एक अरे दुनिया लंबी चौड़ी है, दुनिया मसल उजड़ल ना, एक रुपया दो रुपया गई था वो 500 जुटी आई। मेरे लाल अपने पति को चुराने के लिए तुझे भीख मांगना पड़ेगा तो मैं मांग लूंगी मेरे लाल। अरे बिना कई सा गुजरी, अरे बिना कई से गुजरी, लगो बराबर दिला Yeah.
माँ कोई न कोई उपाय होगी जवाब दूंगी। ठुकराए जी,
ये तो सब जानते हैं, अमृत तो हमें एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब अमृत जाएगा वहां पर बोल देगा ये स्कूल का वजीफा आया था, मैं वही लेकर आ रहा हूँ अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए। राम भरत ये तुम जानते हो मैं गरीबों की कितनी सहारा करती हूँ, और मेरे पिताजी अपने जमींदारी में रहते हैं, उनके पास घमंड है और गरीबों को बहुत सताते हैं। मेरे अंदर जमींदारी नहीं है राम भरत, मैं गरीबों की बहुत मदद करती हूँ। अगर कोई गरीब भूखा है या पैसा है मैं उसे पानी और खाना खिलाती हूँ और पैसे देती हूँ। अरे आप इंसान ना, आप भगवान है, आपको दिलदारिया। और माता जी ये आप पैसा लीजिए माता जी। आप कहने हटे ग्राल जी। नहीं माता जी। देवी जी हाँ मेरे जो आज मुझ पर एहसान किए हैं मैं कैसे चुकाऊंगा। नहीं मेरे एहसान की बात नहीं है, आप एहसान की बात कर रहे हैं ठीक है, आप एहसान की बात कर रहे हैं कि मैं आपको बता दूंगी वहीं पर आप एहसान चुका देना मेरे ठीक है। अगर देवी जी इस एहसान के बदले अगर कभी इस अमृत को अपनी जान की बाजी लगाना पड़ेगा तो एक कदम पीछे नहीं हटेगा। ठीक है माता जी मैं जा रही हूँ, अगर कोई आप मेरे पिताजी को बता देगा तो मेरे पिताजी बहुत डांटेंगे। ठीक है टुकड़ा जी हम चलिए। ठीक है अमृत बेटा माँ मेरे लाल सारे मारन है माँ मेरे लाल ये पैसा अपने बाबूजी को जाओ छुड़ा कर ले आओ दलाल। जब तक तुम्हारे बाबूजी को मैं देखूंगी ना तब तक पानी तक लेते होंगे मुझे आशीर्वाद दो माँ। अच्छा अपने बाबू जी को छुड़ा ले मैं भी चल रही हूँ इंतजार करते जारे जारे लोरी जारे 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 लोरी जारे आमा तारवाई एक दाता हो एक दाता हो सबैयाई Thank you.
रंजीत सिंह हथकड़ी सर अंजली की खोल दो और इसे लगाओ 50 सेंटर। अरे मदद कर दे मौला, मदद की घड़ी, मदद कर दे मदद करो भगवान, मदद करो। बलखुआ आ मेरे ना, तो तुम्हारे मकान से कोई देखने आया और ना पैसा लेके आया। मेरे मकान से कौन आएगा? अभी एक मेरा बच्चा छोटा है और बड़ा बच्चा मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे कुछ खबर नहीं है। मैं किरेल में आ करके बड़े बच्चा को मार दिया और गुस्सा में कहा चला गया, अभी तक कोई खबर नहीं चली। और मेरा छोटा बच्चा अभी नदान है, स्कूल जाता है और भूखा तड़पता होगा। ठाकुर साहब मेरे घर में कौन आएगा? ठाकुर साहब कौन मुझे चुराने आएगा? तू पैसा देता है या बकवास करेगा? ठाकुर साहब मैं कहा से समझ दू? ठाकुर साहब तू हाथ ऊपर कर, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हाथ ऊपर कर। अरे भगवान इस भूखा, हाथ ऊपर कर। Thank you.
हराम का जो कहा ले जा। ठीक है रंजीत सिंह, क्या तुम्हारा पैसा तुम्हें मारने से मिलेगा? तू अपना पैसे पकड़ और मैं अपने पिताजी को यहाँ से ले जा रहा हूँ। रंजीत सिंह देख ले तेरा पैसा पूरा है या नहीं। तू ले जा यहाँ से, अपने बापू के हाथ ले जा, नजर से सामने दूर। अरे भैया सहारा, अरे भैया सहारा, बुढ़ौती दिया। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा रंजीत, ये हरामजादा रुपया पाया कहां से? ठाकुर साहब इस बात का पता करना बहुत जरूरी होगा कि ये सारा 500 रुपया कहां से आया और गुस्से हमारे मुल्क पर फेंक दिया। ये सच है रंजीत, इसका पता बहुत लगाना जरूरी है। ठीक है रंजीत सिंह, चलो यहां से पता लगाया जाए कि पैसा पाया कहां से। जैसे से इतना मार पिताजी को खिलवाए हैं, पिताजी को पूरा बदन दर्द कर रही है, इसलिए मैं कहता हूं मां पिताजी को गर्म तेल करके लगा दो, मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है मां। तुम जाओ स्कूल चले जाओ और मैं तुम्हारे बाबूजी को तेल गर्म करके मालिश कर दूंगी। ठीक है मां, अमृत के बाबू। हां अमृत
आपको क्या जरूरत है? बड़े लोग सहूलत देखे, आपको मालूम है वो सब कितने निर्दयी होते हैं। अमित कमां, मैं उन लोगों से कोई बात नहीं किया, मैं उनसे कर्जा 500 रुपया लिया था जब घर में खर्चा नहीं था, उसी 500 रुपये के लिए ठाकुर साहब ने मुझे बहुत पीटा, बहुत मारा, शरीर इतनी दर्द कर रही है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अमित कुमार, अमित के बाबू, ठीक है अमित के बाबू, चलो तुम्हें तेल गर्म करके मालिश कर देते हैं। ठीक है अमित कुमार, चलो। अरे भाटा भाड़ाली, अरे भाटा भाड़ाली, अवधू गगा नहीं घटा होगा हराली। बिश्नोई पूना ग्राम के जमींदार नटराज सिंह की बड़ी बेटी, मेरा नाम बिंदिया है, और मेरी छोटी बहन जिसका नाम बिशैला। घर में कुल 4 प्राणी हैं, और हमारे पिताजी के वफादार नौकर रंजीत सिंह। जी हाँ, राम भरोस, तू तो पीछे रह जाता है। हाँ, तू हमें पीछे छोड़ दे, पागल क्या, तू पीछे रह जाता है इसीलिए तेरा नाम भूल जाती है। हमें पीछे छोड़ दे। और बता, हमारे रैयत में क्या हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। प्रजा कैसी है? सब सुख कर रही है, सुखी है। ए बता, मेरी बहन बिशैला आजकल बहुत देर से घर आती है, कहाँ रह जाती है? मेरे चारा वारा चल जानी है। आजकल तनी मनी देखी तो जो ना किसानवा कुले वो अन्न के गांव में जानी। क्या किसान? छी छी छी, वो गरीब कीड़े मकोड़े गंदे नाली के कीड़े, वही ना। छी छी, मैं कूलर हिस्से में रहने वाली, मैं तो कभी पाँव भी ना रखू कीचड़ में। अब जाती है गरीबों की बस्ती में? नहीं, एक जमींदार की बेटी होकर वहाँ जाना उसे अच्छा नहीं लगता। तू उसे समझाता नहीं? समझाएगा लेकिन और कर जिया रहे ना माना। ठीक है, आने दे, आज मैं उसे देखती हूँ कहाँ कहाँ जाती है। राम जा बेकुल कहीं का आराम खोल, हदम उल्टा बोलता है तू। हम उल्टे पैदे हैं। राम भरोस, ये जानते हो तुम ना, मेरी दीदी मुझसे कितनी प्यार करती है। हाँ, खूब प्यार कर रहा, चला खूब बढ़िया से प्यार कर रहा है। क्या
मैं उसकी लाडली हूँ। मैं 100 गलती करूँगी तो फिर भी मेरा माफ है। हाँ, जाता बकोरम उठा ली। मैं उसकी लाडली हूँ राम रसना। मेरी दीदी इतनी प्यार करती है ना, क्या बताऊँ, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। वो नहीं देखती है मुझे तो दिल में चैन नहीं पड़ता है। अब मैं भी नहीं देखती हूँ तो मेरे दिल में चैन नहीं पड़ता है। चल रही हूँ दीदी। क्या बताऊं दीदी के पास जाते ही मुझे क्यों डर लगता है। दीदी के सामने मैं खड़े नहीं रहती हूँ। मना लो राम भरोस, ये पहले बात, तुम्हारे पास कोई उपाय है मनाने के लिए? हमारे पास ना कहीं मारा मलाई मार के मनाएगा। ठीक है छुट्टी हो जाती है, फिर उसके बाद मैं कोचिंग करने चले जाती हूँ। दीदी मेरी प्यारी सी दीदी, तो कोचिंग करने जाती है? हाँ दीदी, मैं वाह मेरी बहन वाह, पिताजी का नाम रोशन कर रही थी। मैं तो यही चाहती हूँ दीदी, पिताजी का जिम्मेदारी इतनी दूर दूर है, मैं पिताजी के नाम करना चाहती हूँ। नाम करना चाहती? हाँ दीदी। ठीक है, देख आज मेरी सहेलियाँ आने वाली हैं। क्या आपकी सहेली आने वाली थी? बहुत खुशी की बात है। लेकिन देख मेरी सहेलियाँ 30 नहीं है, क्या बड़े बड़े घर की है, कूलर एसी में रहने वाली है। आज मैं उनको पार्टी दी हूँ। क्या पार्टी देना? हाँ, खुशी की बात है दीदी। और सब सीधे जंगल से आएंगी शिकार करके। हाँ, तुझे मैं जो पैसे दी थी कल, 500 रुपये ला दे दे, मैं अपने सहेलियों को पार्टी दूंगी। राम भरोस कर भाई, अरे मैं 500 रुपया दीदी मांग रही, तो मैं तुम्हारे तो घर जाकर दीदी 500 रुपये में कहाँ से लाऊंगी? दीदी बहुत डांटेगी मुझे। तुम्हारे पास कोई उपाय है? ठीक है, मैं यही बहाना लगाती हूँ। दीदी बोलो बोलो प्यारी बहन। दीदी जो आप 500 रुपये दी थी ना, मैं स्कूल गई थी, जब लंच हुआ तो मेरी सहेली सब आ गई, तो बोली अभी सारा चल बाजार में चल, बड़ी भूख लगी है। और मेरे पास पैसा था और मैं पैसा और ले जाके खर्च कर दी, मेरी सहेली खर्च करा दी। दीदी खर्च हो गया? दीदी खर्च हो गया, ये हरामजादी ले जाकर अमित को दे आई है। मुझसे झूठ बोल रही है? आपको कौन बताया दीदी? राम भरोस बोला। पहले बता पचमीच कहीं का वो सावर ना पास गढ़ावा कानून में हुए। ये पहले बता तू गरीब है कि नहीं गरीब है? तू यहाँ पर किस लिए नौकरी कर रहा है? पैसा खा, पैसे के लिए नहीं। हमें 500 रुपया अमित के घर जाके दे दे, इसमें क्या बात है? तू आके यहाँ पर बता दिया दीदी को? ये हराम खोर, आई दिखा दे लो तो बताई ना, दिनेश का बाल नहीं दे लूंगा। आज का दिनेश को बहुत मार दे, सखवालिया वाला है। बता आखिर तुझे किस चीज की कमी पड़ गई जो गरीबों के बस्ती में जाना पड़ा कि वहाँ मैं कभी कदम ना रखी? ठीक देखते लोग गरीब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं? हाँ दीदी। अरे हराम खोर, गरीब पैदा होते हैं सिर्फ गुलामी करने के लिए। दीदी ये आपकी भूल है दीदी, अरे गरीब इंसान होते हैं, शैतान नहीं होते हैं, इंसान नहीं होते हैं, कीड़े होते हैं। नहीं दीदी, आज गरीबों की वजह से हम लोग खा रहे हैं, हम लोग पी रहे हैं, अरे इलाज कर रहे हैं गरीबों की वजह से हम। अरे पागल, ये तो सच कि तू एक जमींदार की बेटी है, तेरा हुक्म चलना चाहिए, तेरे हुक्म से सब लोग उठे बैठे। हाँ दीदी, मैं जब
की बेटी हूँ बाकी तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी नहीं है। मैं गरीबों के देखती हूँ बहुत प्यार करती हूँ दीदी बहुत प्यार करती हूँ। गरीब गरीब भाई जब से मैं आई मेरे कान पक गए सुनते सुनते हराम दादी से तू नहीं माने इन गरीबों को बुराई मत कीजिए दीदी। आप गरीब कोई बुराई करती है तो मेरे दिल में बहुत तकलीफ हो जाती है दीदी। तकलीफ होती है? हाँ दीदी। अरे हराम है बस करो दीदी बहुत हो गया। मैं ऐसे नहीं सकती हूँ दीदी। मैं जार के सामने में बातें लेकर बाह रही थी आज आज बातें करने की अवसर दे दी है आप। अब आप इतनी घमंड में हैं गरीबों के लिए आप जलती है नहीं दीदी। बहुत हो गया दीदी अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ दीदी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या करेगी बोल मुझसे जुबान लड़ाती है मुझसे? हाँ आपको जुबान लड़ा रही हूँ मैं आपकी अब हर बात ही नहीं बर्दाश्त करूंगी। क्या करेगी मुझे मारेगी? हाँ मैं मारूंगी मारेगी हाँ मैं मार जिम्मेदारी अपने घमंड में लेती है। अरे घमंड तू क्यों करती है?
मेरी बहन क्यों घमंड तू करती है? एक दिन तू भी आएगी गरीब के पैर में, तू भी गिरेगी। अरे गरीब लोग इंसान होते हैं राम भरो। हाय देखो फिर जाना दिनेश का बहन हुई कहे तू दिनेश के घर मत जा, भाग जा। ठीक है राम भरो, तो कहिए पिताजी के पास, मैं भी जा रही हूँ पिताजी के पास। उसे समझाऊं बात नहीं है बेटी, तुम दोनों से प्यार करता हूँ। मेरे अच्छे पिताजी, मेरे प्यारे से पिताजी। हट 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 पिताजी, मैं स्कूल से आई, हमें देखी घर का काम नहीं हुआ था, ये बैठ के
घर में बैठ के एसी की हवा ले रही थी। स्कूल चली जाती है पिताजी, मैं सारा काम करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन। तो कैसे झूठ बोल रही है, कैसे झूठ बोल रही है हरामखोर। पिताजी मैं जब स्कूल से आई तो मैं देख रही थी सारा बासन घर में पड़ा हुआ था बिना मांजे हुए, और मैं जाकर गई, मैं धोने लगी और ये सारा काम आपको लेके गई। ऐसे तो कह रही है, आती है पिताजी एक थाली गटक अकेले मुझे पूछती है पिताजी ये कभी नहीं खाना बनाती है, मुझसे बनवाती है पिताजी। बेटे विशाला है तुम्हारी बड़ी बहन जी। पिताजी इससे हाथ जोड़कर माफी मांगो, इसे मैं तुम्हारी बुलाई। पिताजी दादी बहुत बदतमीज हो चुकी है। हाँ बदतमीज मैं हूँ, तुम बदतमीज है। मैं बदतमीज हूँ? हाँ तो बताओ, हाँ तो बताओ। नहीं लगता है, इसलिए तुझे एक सजा है, इसे हाथ जोड़कर माफी मांगो, इसे मैं तुम्हारी पढ़ाई। नहीं पिताजी मैं इससे माफी नहीं मांगूंगी पिताजी, नहीं। अगर माफी नहीं मांगोगे तो रास्ते पे दखल कर दूंगा विशाला। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, आई लव यू। मेरी बहन। हाँ दीदी। तो एक एक है जिसे मैं लाड प्यार करती हूँ, तेरे अलावा कौन है? हमारे पास ना कोई भाई है ना ही और कोई परिवार है, ये राजवाड़ हम ही दोनों का है बहन। हाँ दीदी बाकी आप गुस्से में रहते हैं तो मुझे ठीक नहीं लगता है दीदी। तू गलती करती है, मैं जब कहती हूँ गरीबों की बस्ती मत जाकर, गरीब अच्छे नहीं होते हैं, गंदे होते हैं। देख छोटे लोगों की छोटी इज्जत होती है, बड़े लोगों की बड़ी इज्जत होती है। सब मेरी बहन तो स्कूल से आई, भूखी होगी ना? बता तुझे भूख लगी है ना? हाँ दीदी। चल मेरी बहन मैं तुझे कुछ खिला पिला दूँ। ठीक है दीदी। भूल गई, चल तू भी क्या खाएगा बोल। मैं खाली रबड़ी खिलाया। स्टूपिड इडियट एंड नॉनसेंस, अकल नहीं तुझमें, क्या बोल रहा है? बढ़िया आइटम है। कैसे इस अनपढ़ को समझाओ, उसे फुलौरी बोलते हैं, फुलौरी। बढ़िया आइटम के नाम हाली हाई लिए। तो बातें करना बेकार, उसे कचौड़ी बोलते हैं, कचौड़ी। हाँ चलो चल मेरी बहन, मैं तुझे खिलाती हूँ। ठीक है दीदी। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदरी सबन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न जैसे बोलिए महाराज। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है दोनों आपस में क्यों झगड़ते हैं। महाराज ये सयाने हो चुके हैं, विद्या सयाने हो चुके हैं, ये सवदार है और विशाला नगार है, ये सब चाहता तो झगड़ जाती है, इनको समझा बुझा कर रखिए और नहीं भी आपको भारी पड़ जाएगा। ये तो सत्य है, विद्या जो, जो जो काम करती है मेरे हिसाब से करती है। हाँ समझते नहीं,
ठीक है, यहाँ का राजकार देखना बच्चा राम करने के लिए। स्कूल चले गए कि नहीं? अभी गए अमृत को देख रहे हूँ, कभी मेरे साथ जाता नहीं है, मैं उसे कैसे बताऊं? अमृत बाबू तुमसे मोहब्बत हो गई, बिना तुमको मैं देखे चैन नहीं पड़ता है, आपको बिना देखे चैन नहीं पड़ता है, अब आपसे मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, इतना मोहब्बत हो गई आपसे, कैसे चलती हूँ अमृत बाबू के आज साथ में चलूंगी, आज कुछ बातें करते करते चलूंगी, आज दिल की बात तुझसे मैं कह दूंगी अमृत बाबू से, अमृत बाबू आज आपसे मोहब्बत हो गई है। अरे मन के समरिया, अरे बन गई तू, अरे छुप के से रोग धरा दिलाए राजा हमके जमाने में, गजाती के रोग धरा दिलाए सैया हमके जमाने में, गजाती के रोग धरा जा रहा हूँ, आज लगता है सब लोग चले गए हैं,
मुझे लेट हो गया है, मैं भी चल रहा हूँ, अन्यथा मुझे भी लेट हो जाएगा। अमृत बाबू ठहरिए, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं भी नहीं, मुझे रुकने की टाइम नहीं है, मुझे देर हो जाएगी। नहीं अमृत बाबू, मैं आपके साथ चलूंगी। अमृत बाबू ऐसा क्यों बोल रहे हो? अमृत बाबू तुम मेरे साथ, आपके साथ मैं जाने लायक नहीं हूँ क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जानती हूँ अगर मेरे साथ तुम्हें कोई देख लिया, तुम्हारे पिताजी को ये बात पता चल जाएगी, तो मेरा स्कूल जाना क्या, मेरा तो घर ही छूट जाएगा, इसलिए कहता हूँ मुझे जाने दो। सुनो मेरे बाबू, आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आज मेरा दिल कह रहा है आज से बात ही करने के लिए। क्या कहना चाहती हो? कहो, मुझे सुनने की टाइम नहीं है, मैं जाऊंगा। अरे अमृत बाबू बात मेरी, अरे ध्यान से सुनो। अरे अमृत बाबू बात मेरी, अभी ध्यान से के नाटक में मत जाओ। नहीं मुझे जाने दो, आपसे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, बहुत बेहद प्यार करती हूँ बाबू, आप मेरा प्यार आप स्वीकार कर लेता हूँ, मुझसे दूर रहो। अगर अगर ये बात तुम्हारे पिताजी को पता चल जाएगी, तो मेरा स्कूल जाना छूट जाएगा, और न जाने तुम्हारे पिताजी कैसा कैसा व्यवहार करके, इसलिए कहता हूँ उसे जाने दो। तुम्हारी बाबू मैं नहीं आने वाला, आपके साथ मैं हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं है मेरे बाबू। आप क्यों डरे हो? अरे विशेला ऐसा तू कह रही है, वक्त आने पर तुम भी पासा पलट दोगे, इसलिए बाबू इसलिए कहता हूँ कि मेरा रास्ता अलग है और तुम्हारा रास्ता अलग, जानती हो क्यों? अरे कहाँ तुम्हारे पिता ठाकुर जमींदार से, और कहाँ मेरे पिता, कहाँ मेरे पिता एक गरीब किसान, और मैं उनका बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं है मेरे बाबू, इसलिए कहता हूँ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा मत कीजिए अमित बाबू, ऐसा मत कीजिए। अरे मैं जमींदार की बेटी हूँ, बकीदार के घर में मैं रहना चाहती हूँ, आपके साथ मैं रहना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ अमित बाबू। अरे मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरा जिंदगी भर साथ दोगी? अमित बाबू मैं आपके साथ दूंगी, जिंदगी भर साथ दूंगी अमित बाबू भाई। अरे मैं कैसे मान लो, तुम पर कैसे विश्वास कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ मुझे जाने दो। नहीं अमित बाबू मैं जाने नहीं दूंगी, मैं प्यार खातिर में मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी अमित बाबू, मैं प्यार खातिर मर जाऊंगी, मेरा प्यार आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। अरे तुम्हारी जैसी लड़कियां सभी लोग कहती है, लेकिन जब जान देने की बारी आती है तो पाशा पलट देती है, इसलिए कहता हूँ तुम मुझे डराओ धमकाओ चाहे भी कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारी वाद में मैं नहीं आऊंगा। नहीं बाबू मैं उन लड़कियों में से लड़की नहीं हूँ अमित बाबू, ये मेरा वादा है, मैं छत्री की बेटी हूँ, मैं वादा करती हूँ
आपके साथ में जिंदगी भर निभाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। आप नहीं मेरा प्यार स्वीकार करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, जरूर मर जाऊंगी अमित बाबू। अरे विशैला, मरना कहना तो बड़ा आसान होता है लेकिन जान देना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए कहता हूँ तुम मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, आपकी आंखों के सामने मैं अभी जान दे रही हूँ, इस कुएं में अभी कूद के मैं जान दे दूंगी। अरे कहती है इसी तरह लड़कियां लोग, लेकिन करती है नहीं। ठीक है, आपको विश्वास नहीं, ठीक, मैं मरने जा रही हूँ। अरे तेरा प्यार मुझको, अरे जो मन दिल की बात कह दी। अरे तुमसे मैं तो बेहद प्यार करता हूँ लेकिन जानती हो मैं तुमसे ये बात कभी ना कह सका। जानती हो क्यों नहीं कह सका? क्यों अमृत बाबू? अरे कहाँ तुम्हें जमींदार ठाकुर की बेटी और कहाँ मैं एक गरीब किसान का बेटा। अगर मैं तुमसे ये बात कहता विशैला मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम मेरी बातों से इनकार कर देती और ये बात अपने पिताजी को बता देती। तुम्हारे पिताजी मेरा जीना दुश्वार कर देते, इसीलिए ये बात मैं तुमसे ना कर सका। आपने पहले बात बोले तो होते तो कितना अच्छा लगता। और अमृत बाबू सुनो, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ सला, कहो, दिल खोल कर कहो। अमृत बाबू राजा धीरे धीरे राजा धीरे धीरे प्रीत में दर्द होला। स्कूल भी जाने में देरी हो जाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ
सुनो सुनो सुनो, आप कभी भूल नहीं जाओगे, मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम वादा करो, तुम तो कहीं मुझे छोड़ता नहीं दोगी। नहीं अमृत बाबू, मैं मर जाऊंगी बाकी तुम्हारा नाम मेरे लिप से कभी नहीं भूलेगा। ठीक है जानो, सुनो आज से क्या कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? अमृत बाबू, आई लव यू, कि हम तो नहीं दिला हरी प्यारी करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग जा रहा हूँ स्कूल। और ये बताओ कल कहाँ मुलाकात होगी? कल मुलाकात वैष्णो जी के मंदिर में होगी, ठीक 11:30 वहाँ पर आप आ जाना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, लेकिन जा रहा हूँ जानो। जानो एक बात सुनो, क्या तुम्हारे लिए मैं एक चीज लाया हूँ? क्या लाया हूँ जानती हो? क्या है लो, देखो क्या है। ओ, तुम जानते हो मेरा ये फेवरेट चीज है, ये लॉलीपॉप मेरा आई लव यू। मैं जा रहा हूँ। ठीक है आप जाइए स्कूल, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। क्या बताऊँ, आज दिन के बाद में अपनी सुबह से मैं इतनी खुश हूँ। स्कूल चलूंगी नहीं, अब जाऊंगी महल में, ऐश करूंगी, घूमूंगी, आज मैं अमृत की याद में, आज मैं सारा दिन सैर करूंगी। अमृत बाबू आई लव यू, कि जब से लाल लली की बात आगे बढ़ा, Thank you.
बाबू। हाँ काका जा रहा बेटा, जा रहा हूँ। ये काका? हाँ बेटा। अरे चिट्ठी आई नहीं? चिट्ठी दे बाबू की। अगर चिट्ठी आओ यार, हम जितेंद्र भैया को दे। अरे अमृत के बाबू का जितेंद्र ने चिट्ठी, जितेंद्र आज चिट्ठी लिख दे रहे हैं। कहीं बाबू पढ़ रहे हैं तो सुना जाता है। पेट्रोल पढ़ के सुनावा तो नहीं देखा हमारे पेट्रोल काम लिख ले हो गए। एक आके सुना सुनावा। हमारे तरफ से माता पिताजी को चार वर्ष है। बहुत बढ़िया। उसी की बात यह है कि मैं फौज में भर्ती हो गया। कहाँ? हमारे बेटा फौज में भर्ती। बेटा भर्ती हो फौज में? हाय मालिक, भगवान सुन रहे गरीब के। अमित कमा आगे लिख ले। क्या करूं, माता पिता से मिलने का बहुत मन करता है लेकिन नौकरी ऐसी है मुझे छुट्टी नहीं मिली। हमारे तरफ से छोटे भाई अमृत को शुभ आशीर्वाद। आपका बेटा जितेंद्र फौजी। ठीक है चिट्ठी दा। जनवा अमीर बेटा आएगा नहीं वो पढ़ के माँ देख ले। ये भैया का पत्र आया हुआ है। माँ मुझे टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ स्कूल। और भैया के लिए भी एक सब घर का समाचार लिखकर डाक खाने में डाल दूंगा। माँ ठीक अमृत जा, लिख के भेज दिया चिट्ठी। अमृत के बाबू बिटवा आज फौज में भर्ती हो गई। इससे पहले मिटवा के हमरे भूख का लागल कि दोनों भाई झगड़ा के लल वही गुस्सा में तो मार डाला हमार लाल। न जाने कहा जाके पढ़ाई लिखाई करके आज फौज में भर्ती हो गई। ए अमृत के बाबू दिखा आज ये खुशी में हमार मन कुछ कहत कहता हो। का मन कहता है? ए राम भरो राम भरो। अरे तो हम खुशी में हो ना, ए बाबू फूलपुर बाजार से चार छह खांची लड्डू मंगवा के गांव बटवा दिए। हाँ बाबू हमारे ये विचार बा वजीराबाद में लड्डू बटवा दा। हाँ जे नाच देखे आलो के मत दिए जे घरे हो के भेजवा। ए राम भरोस हमार मन कहत बा अपने सुनीलो भैया के खांची लड्डू भेजवा दियो चल जा। नहीं नहीं लेकिन ये हो सुना मास्टर
लिए आप पिताजी से आज्ञा लूंगी, आवाहना करूंगी, जाऊंगी पिताजी से कहूंगी बात, पिताजी मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए, वैसे मैं वहां के मैं व्रत हूँ और कैसे जाऊंगी। अरे चामल हो या सिसी हमारी हरि मलिनी पास आई हूँ आपसे आज्ञा लेने के लिए, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ पिताजी। विशाला मंदिर जाना चाहती हूँ जी पिताजी। जो महल में मंदिर पड़ा है उसमें जाकर पूजा करो। नहीं पिताजी, आप मेरे प्यारे से पिताजी हैं, प्लीज पिताजी मैं आधे घंटे के अंदर में मैं चली आऊंगी पिताजी। विशाला जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ, तुझे पूजा महल में करना और कहीं नहीं जाना है। ठीक है पिताजी, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी पिताजी, आज नहीं जाने देंगे तो। नाराज हो जाओगी तो इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वही तुझे करना है। ठीक है पिताजी, ठीक है आप जाने के लिए इनकार करेंगे कोई बात नहीं पिताजी। पिताजी अगर कोई बाहर किसी काम से गया बिना पूछे अब मैं जान जाऊंगी तो पिताजी मुझसे बुरी कोई नहीं होगी पिताजी। विशाला तुम्हारी औकात क्या है जो मुझसे जुबान लगाती है हरामदारी, चलो जा यहाँ चली जा। ठीक है पिताजी। क्या बात है भैया? आज मेरा आखिरी व्रत है, मैं पुरखों वाला जो मंदिर है बगीचे में मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, आपसे आज्ञा लेने आई। ठीक है बेटी, जाना चाहती है तो शौक से जाओ। लेकिन एक बात है, मेरे कपड़े भीगे हुए थे, मैं बहन विशाला का पहन के जा रही हूँ। इससे क्या मतलब है? जो तुम्हारी छोटी बहन अगर कपड़ा पहन लिया तो इससे कोई मतलब नहीं पिताजी, वो लड़ती झगड़ती है ना इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ। उसे मैं समझा लूंगा, तुम जाओ। ठीक है जा रही हूं। तो ईश्वर तुम्हारी महिमा तो कोई जानता नहीं, की आराधना करूंगी। लेके पूजा की थाली छोटी की जगाली तेरी आरती उतारू भोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरी चरणों में भारी भोली माँ।
जन में पद के जयकारा लाइए माँ बोलिया भर दी दरबार में आ गया और मुझसे पहले भी शैला आई हुई है। चलता हूं, इसकी आंख को मैं बंद कर लेता हूं अन्यथा इसका पूजा खत्म होने वाला है। कहीं पूजा खत्म हो जाएगा तो चली जाएगी रोट कर, इसलिए इसकी आंख को मैं बंद कर ले रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिए।
अंदा दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तेरी हिम्मत की दाद देती कि आज तक जो भी मेरे सामने पड़ा नजर झुका के चल, और तू तो मुझे आज हाथ लगा दिया। नहीं दिया जी, मेरा विश्वास कीजिए, हरामजादे जो मुझसे आंखें मिलाता है मैं उसकी आंखें निकाल देती हूँ। अफसोस तू मुझे छुआ है, मैं तेरे साथ क्या करूँगी। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, सब लोग मनमानी कर रहे हैं। क्या है, कौन है हराम दादा जो मनमानी कर रहा है? तो सुनिए, और जैसे मंदिर में मैं पूजा करने गई पिताजी, वही पड़कुआ जो हमारे घर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, अच्छी तरह से गुलामी करता है और मेरे जूते पॉलिश करता है, उसी का बेटा आज मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। उस हरामजादे की कौन करता तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की? ठीक है विद्या, अगर ऐसी बात है उस हरामजादे को अच्छा सबक सिखाऊंगा। जब तक उसका परिवार बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं। नहीं पिताजी, मैं अपने अपमान का बदला खुद लेना चाहती हूँ। ठीक है रंजीत सिंह। जय हो रंजीत सिंह। देखो विद्या क्या कर रही है। क्या बात है विद्या? चाचा जी, जो हमारे घर में बड़कुआ किसान गुलामी करता है उसका बेटा आज मेरे तन पे हाथ लगाया और मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। चाबी दिया अब इतना कितनी बड़ी मजाल जो साला तुम्हारे बदन को हाथ डाला। जी हाँ विद्या, अगर तू बोलो तो जाकर साले को भी गोली मार देता हूँ। नहीं, मैं ये सुनना चाहती थी। मैं भी एक छत्री खानदान की हूँ, मेरे अंदर भी खून है और खून अंदर ही अंदर चल रहा है। विद्या ये बंदूक पकड़ ले जा, अपने दिल का अरमान पूरा कर ले। ठीक है, अरे हराम जाते देते कहा चुपता है कारे कुमार। उस हरामजादे की औकात क्या जो विद्या के बदन पर हाथ लगाया? महाराज, यहाँ के रहने से क्या फायदा है? यहाँ के राज में किसानों की जरूरत बढ़ती चली जा रही है। आज आपकी बेटी को पढ़ा लिखाया, कल दूसरे की बेटी खाते बटन उठाएगा, कैसे उनकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी? आपके रहने का महाराज धिक्कार है। नहीं रंजीत सिंह, नहीं, मैं वही नहीं करना।
मानना नहीं चाहता था, लेकिन आज से उस हरामजादे से बगावत ठन गई। रंजीत सिंह जब तक उसका परिवार बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं बैठेगी। ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, मैं चल रहा हूं। तेरा तुम्हारा जोश है, जितनी तुम अपना रोटी खाती है, जितना जला दिखाती है, इस जला खाने में बड़ा खुश तुम्हारी उतार। लेकिन इस तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या सोचता हूँ, तुम्हारे में क्या आता है, सिर्फ तुम्हारा ख्याल आता है। चले गए काम करने के लिए, कुछ खा के नहीं गए। ठीक है, राम बरोस, राम बरोस, ये बताओ अमृत बेटा कहाँ है? हाँ, स्कूल छुट्टी हो गई है, अब आउट है। ठीक है, माँ। हाँ अमृत बेटे। माँ उस कुर्स में आ गया। माँ सुनो मेरे लाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? इधर आओ, कहो माँ। लेकर पिताजी के लिए। ठीक है मेरे लाल, चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। चलिए माँ।
चार महीना के बाद खेत में आल है। चलिए तनी खेत के खन्नी गोड़ी तो खराती ना हा। और देखा था ही खेते में कुछ हाईबोन करा कुल बह गया था। हमारे बेटा अमृत स्कूल गया हुई ये समय और कहाँ रहे, हम तो खेत में हैं। अब हम कैसे बताएं कि अमृत कहाँ घरे है कि स्कूल गया है। अपने बेटे को कौन सी शिक्षा दिलाता है बता ठगवाइन साहब। अपने बेटे के शिक्षा ये देना कि देख बेटा कहीं जात है तो रास्ता चलत में अगर सामने बड़ा क्यों हाय गया नहीं कुछ कह डाले तो सिर झुकाएगी बेटा तो दूसरे रास्ता से चल जाए कि हो जवाब मत करे कहे कि गरीबी का दिन बहुत खराब होला बेटा। तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, गांव की बहन बेटियों को छेड़ रहा है, आज मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। नहीं ठगुराई साहब नहीं आप हाँ मैं सच कह रही। नहीं ठगुराई साहब ऐसा मत कहिए, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ठगुराई साहब तो मैं झूठ बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही ठगुराई साहब जादे मैच कह रही हूँ मारने के लिए तैयार हो जा।
अरे माँ पुट्टा कुराइन जी कुराइन बदला तुम क्या क्या बिलिया ने पिताजी बिलिया ने आपके साथ क्या किया बेटा बिलिया ने मुझे बेटा गोली मार बिलिया तो ऐसा काम नहीं किया बिलिया अरे बिलिया तूने बिलिया पिताजी को गोली मार कर अच्छा काम नहीं किया माँ पिताजी को माँ क्या हो गया माँ 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 पिताजी को ठाकुर की बेटी बड़ी बिलिया ने पिताजी को गोली मार दी बाबू क्या हो गया अमृत के बाबू मैंने तुम्हारी लोग खाना भिजवाया आरे हारे हाये विधाना आरे हारे हाये विधाना इका तुकाईला हो आरे हाये विधाना
माँ, क्या करूँ माँ, पिताजी का अंतिम संस्कार किस करूँ? आरी कथा लिखे बिना कपल के बिला कल के मुटाई हमा लसिया है दिल का कलावा के
ऐसा नहीं करता। हाँ महाराज, अगर इसी तरह से आपका बेटा होता जो काम भी दिया की है तो आपका बेटा कभी नहीं कर पाता। ये तो सत्य है रंजीत। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, इधर का देखभाल करते रहे। जैसे तेरी काम पर ये रंजीत सिंह बहुत खुश है, लेकिन मैं किसी मौका पाता तुमसे जरूर मिलूंगा विद्या। Thank you.
नहीं नटवर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बताओ क्या बात है सर? आपके पिता का देहांत हो? ऐसा नहीं हो सकता है। तू नटवर लाल झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नटवर लाल बोल दो, ये झूठी खबर है। अरे कैसे बोल दे सर? नहीं नटवर लाल, तो हम बोल के ट्रावे पर ना सर, टिकट चले आए। नटवर लाल कैसे मिल जाते? क्या हो गया मेरे साथ? बचपन से साथ छूटा, आखिरी दम तक मैं पिताजी से मिल नहीं पाया। ये मेरे नसीब में क्या लिखा है नटवर लाल? हाय राम सर, सर जो लिखा रहता वही मिलता है, फाजिल नहीं मिलता। दोस्तों मैं क्या करूं? मेरी ऐसी नौकरी है जो मुझे एक दिन की भी फुर्सत नहीं मिलती है। क्या करूं? मेरे पिताजी का स्वर्गवास भी हो गया, मुझे खबर तक नहीं हुई। नटवर लाल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब मैं चलो पिताजी के आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध कराऊंगा। ठीक है सर, चलिए। ठीक है चलो, उस नदी के पार चलते हैं, वहाँ पर पिताजी के आत्मा के शांति के लिए कुछ तक वहाँ बैठेंगे।
हर विशेला तूने मुझसे प्यार का नाटक किया, तूने मुझे मंदिर में मिलने का वादा करके नहीं आई, अपने बजाय अपनी बहन बिंदिया को भेज दी मेरी साथ, इतना बड़ा धोखा, मैं ऐसा नहीं सोचा था तुम्हें। विशैला तूने जो किया वो अच्छा नहीं किया विशैला। मेरे पिताजी बाहर जाने के आज्ञा ही नहीं देते हैं, जाने ही नहीं देते हैं। आज मैं कैसे निकल कर आई हूँ अमृत से मिलने के लिए, आज अमृत से मिलूंगी, वो मुझसे नाराज है, मुझसे मिलने नहीं हो आता है, चलती उसे खोजती हूँ। अमृत मैं तुम्हें खोज रही हूँ, सुनो अमृत, अरे क्या कहना चाहती हो? और मेरे का वो या मेरी थी मेरे, अरे क्यों सर झुकाए बैठे हो? क्या बचा है? अरे तूने तूने तो मुझे मंदिर में मिलने का वादा करके क्यों नहीं आई? अच्छा इसी के लिए आप नाराज हैं, इसी को जिसे सुनो, अरे मेरे जाने जी गई, अरे फिर तो बताओ तो बताओ, हर मेरे ही सामने, हर तुम
बुलाने की बात कर रही है। अरे तूने मुझसे प्यार का नाटक किया, अरे मुझसे मंदिर में मिलने का वादा किया, क्यों नहीं आई? अरे तू तो सच्चा प्यार मुझसे करती ही नहीं थी। ऐसी बात नहीं है मेरे, मैं आपको बहुत बेहद प्यार करती हूँ, क्या बताऊँ मैं मजबूर। अरे अगर बेहद प्यार करती थी तो अपने बजाय क्यों अपनी बहन बिंदिया को अपना कपड़ा पहना कर तू मंदिर में भेजी? नहीं अमृत, ऐसी बात मत कहो अमृत, मैं दीदी को नहीं भेजी थी, मैं यहाँ से मिलने के लिए मैं आ रही थी, पिताजी के पास गई, पिताजी से मैं आज्ञा लेने के पिताजी इनकार कर दिए, मिसाला तुमको मंदिर नहीं जाना है। अरे अच्छा बहाना तुम्हें बनाना आता है, अभी तुम्हारे बिना मर्जी से तुम्हारी बहन तुम्हारा कपड़ा पहनकर नहीं आ सकती, जानती हो? जब मंदिर में पहुंचा तुम्हारी बहन बिंदिया का, मैं तुम्हें समझकर आंख उसका बंद कर लिया, अचानक से मेरी तरफ पलट कर देखी तो मेरा होश उड़ गया, मैं तो वहां से भागना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत बहुत हंटल मारी, लेकिन जानती हो विशाला क्या हुआ? क्या हुआ? अरे जब मुझे वहां से वो कैद करके ले जाना चाहती थी अपने हवेली, वहां से मैं भाग निकला, उसके बाद मेरा पीछा करते तुम्हारी बहन बिंदिया ने मेरे घर पहुंची, जब मैं वहां पर भी नहीं मिला, उसके बाद खेतों में पहुंच गई तुम्हारी बहन बिंदिया, उसके बाद जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे विशेला तू क्या छाने, तुमसे बताने का क्या फायदा, अरे तुम्हारी बहन बिंदिया ने खेतों में जा करके मेरे पिताजी को गोली मार दी। मेरी दीदी ऐसे काम नहीं कर सकती। अरे अरे विशेला मैं सच बोल रहा हूँ, अरे तुम्हें नहीं यकीन है मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं मुझे विश्वास नहीं पड़ रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी दीदी ऐसे काम नहीं कर सकती। अरे विशेला मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। नहीं अमृत, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, तुम्हें नहीं यकीन है, मैं उस देवी माँ की कसम खा के कहता हूँ जिस मंदिर में तुमसे मिलने का वादा हुआ था कि तुम्हारी बहन बिंदिया ने मेरे पिताजी को गोली मार दी। ठीक है अमृत, तुम्हारे पिताजी को गोली मार दी हो, मैं तुम्हारी पिताजी की, मैं उसे जरूर बदला लूंगी, मैं तुम्हारी साथ होकर मैं बदला लूंगी। ठीक है विशाला तुम यहाँ से जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अमृत बाबू, मैं जा रही हूँ। ठीक है अरे तूने क्या उच्चा काम नहीं किया, मैं तुझसे माफी मांगता था लेकिन तू माफ नहीं मुझे की, अरे सुनने के बजाय तूने मेरे पिताजी को गोली मार दी, मैं आ रहा हूँ बिंदिया, देखता हो तो किस दुनिया में छुपी है अपने पिताजी का कातिल का बदला लूंगा, आ रहा हूँ बिंदिया आ रहा हूँ। अरे मुझे सब मालूम हो गया जो की
अमृत होता है पिताजी, मैं आपसे वही बताना चाहती हूँ पिताजी। क्या बताना चाहती हो? मेरे चलते उसकी पिताजी की जान गई है पिताजी। पिताजी आप जब मैं मंदिर जाने की आपसे आज्ञा लेने आई थी, मैं मंदिर नहीं में मिलने जा रही थी। हराम दादी, किससे मिलने जा रही हराम दादी तू? मैं मिलने अमृत से मिलने जा रही थी। मैं अमृत से मोहब्बत अमृत से मिलने जाती हराम दादी, तुझे अमृत का नाम लेते हुए शर्म नहीं आई? नहीं पिताजी, मैं अमृत को कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी नहीं भूल सकती हूँ। रजे सिंह कोड़े लगाओ और हथकड़ी लगाकर जेल खाने में डाले। चाचा जी, चाचा जी पिताजी को समझाइए ना चाचा जी। मिसाला अगर तू अपने बराबरी वालों से या अपने बिरादरी से मोहब्बत की होती तो आज महाराज शौक से तुम्हारी शादी उसके साथ में कर देते। नहीं, लेकिन नीच किसान के बेटे से तुम मोहब्बत की, इसलिए महाराज को इनकार करने से। नहीं चाचा जी, अरे मोहब्बत ऐसी चीज होती है, न जात तो बिरादर नहीं देखती है चाचा जी, ने अमीर गरीब देखती है। अरे मोहब्बत जिसकी मोहब्बत की लग जाती है चाचा जी, वो नहीं चिंता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, मोहब्बत ऐसी चीज होती है चाचा जी। अमृत का नाम अपने जुबान से हटा दे। नहीं चाचा जी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ, मेरी जान ही चली जाएगी, फिर भी मैं उसे नहीं। हराम जाती तू उसका नाम नहीं भूलेगी? नहीं तुम्हें याद करी
अग्नि को अमृत का नाम लेते हुए, क्योंकि अग्नि है नीच लड़के से प्यार करते हो। ठीक है अरब दादी, तुझे अच्छा सबक सिखाया जाएगा। हर बिगड़ी मेरी बना दे, हर बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। गंगा माँ का सागर हुआ, उसके बाद चलता हूँ देवी माँ का दर्शन करूंगा। ये तो विद्या दिखाई पड़ रही है, आज सुबह से वैसे ही विद्या यहाँ जाकर रही है। चलता हूँ, सब पूछूंगा। चाचा जी आप यहाँ? बिटिया यही बात में पूछा जाता है तुमसे कि सुबह सुबह मौसम तो यहाँ क्या कर रही हो? चाचा जी मैं तो टहलने आई हूँ, आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? बिटिया देखे चाचा और चाचा अच्छा नहीं लगता है। क्यों चाचा जी, आप मेरे पिताजी के दोस्त हैं। अरे तू पागल हो गई हो, तुम्हारा सगा चाचा तो हूँ नहीं मैं, मैं नौकर हूँ। अगर मुझे बुलाया करो या मैं नाम लेकर बुलाया करो या तो सेनापति कहा करो। नहीं मैं चाचा बुलाऊ। सुनो विद्या, दिमाग खराब हो गया। अरे तू भी जवान है, मैं भी जवान हूँ। अरे तू तो सर
मेरी जवान का भी जाए। अरे तू भी जवान है,
समय जैसे विद्या मंदिर के पास पहुंची, उसे चलाए यमरित पहुंचा और उसे छिड़कानी करने लगा महाराज। जब विद्या नहीं उसकी बातों को मानी, उसे दरिया में धक के मार कर खत्म कर दिया महाराज। खत्म रंजीत सिंह जाने को जिंदा या मुर्दा मेरे पास घसीटते हुए, जब तक मैं अपने हाथ से सजा हरामजादे को नहीं मारूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं जा रहा हूँ। चलिए मैं भी जा रहा हूँ महाराज। ये तो मैं कसम खा चुका था कि जो तलक तेरा घर बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तलक चैन की नींद कभी नहीं सोऊंगा। क्या बताऊं, अभी तक अमृत बेटा मेरा स्कूल से आया नहीं। ठीक है, मैं इंतजार कर लेती हूँ। छठ सरकार, अरे खड़ी किया है। तुम्हारा बेटा ठकुराई बिनिया को बहती हुई दरिया में धक्के मार के खत्म कर दिया। नहीं छोटे से डर, ये सब आप झूठ कह रहे हो। लाजवंती मेरा दलाल दोनों विषय
कहा जाओ अकेले बेसहारा तो पहले उसे किनारे लगाओ फिर देखा जाएगा। सर क्या बात है? पेट में ज्यादा सूजन है, लगता है पानी ज्यादा पी लिया है, फूल गया इसका पेट। ऐसा करो पेट दाबो कुछ पानी कम हो जाएगा, फिर क्या पता होश में आ जाए। और दाबो पानी निकलेगा जितना उतने जल्दी होश में आएगी। क्या हो गया? एक फच मेरे मुंह पर मार दिया फच। नटवरलाल ये बताओ पहले होश में आई या नहीं? नटवरलाल मल्ला गाल अर्थ हो गया ना। वो कोई बात नहीं यार, ये होता रहता है। अगर एक जान बचाने से थोड़ा मुंह पे पानी भी आ गया तो फिर क्या होगा? जी आप मेरी जान बचाए, आप मेरे लिए भगवान हैं। इसमें भगवान वाली कोई बात नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है। साहब जी जिस तरह आप मेरी जान बचाए, आप मुझे सहारा दें, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। जी नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उनके आत्मा के शांति के लिए यहाँ से रात कराने आया हूँ। ले चलिए मजा आएगा। नटवरलाल साला क्या मजा आएगा? बारी बारी से मजा आएगा। नटवरलाल जबान संभाल के बात किया करो। अरे सर मजा आएगा, ये जब बना के देगी ना तो हम लोग बारी बारी से खाएंगे। नटवरलाल ये तो मेरे दिमाग में बात आई नहीं, ले चलेंगे तो दो वक्त की रोटी तो बना के मिलेगी। साहब जी चलिए चलो ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकती हो। चलिए
भाग चलेंगे, यहाँ से भाग चलो। विशाला यहाँ चलो, अन्यथा तुम्हारे पिताजी पकड़ लेंगे। हाँ हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई एक काम करो, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, मुझे पानी पिला दो। ठीक है, मैं देख रही हूँ गांव है, उस गांव में से मैं पानी लेकर आ रही हूँ। तो आप यहाँ पर बैठी है अमृत। ठीक है, अरे जिंदा रहेगा। देखता हूँ, लगता है फिर कुछ बेटी आ गए हैं, नदी में दवा डाल दे रहे हैं, इसलिए बहुत जानवर मर रहे हैं। देखता हूँ कौन है उधर। हाथ ऊपर कर दो। आप क्या कह रहे हैं साहब जी, मेरे प्यार को आप बिछड़ा नहीं है। नहीं साहब जी, ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई थी। मैं बिजनौर शहर की रहने वाली हूँ, पूना गांव की। मैं नटराज सिंह की लड़की, मेरा ही नाम भी शैला सिंह है। ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये मेरा प्यार अमृत है। अमृत, ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर बिजनौर से पूना गांव के रहने वाला हूँ, और मेरा नाम अमृत है। मेरे पिताजी, मेरे पिताजी का नाम बड़कू किसान है। क्या अमृत? अमृत, मैं वही तुम्हारा बड़ा भाई जितेंद्र हूँ। नहीं भाई, ये भाई तू इतने दिन तक कहाँ थे भाई? भैया क्या बताऊँ, मैं किस हालत में हूँ। विशाला, नटवरलाल, विशाला ये मेरे बड़े भैया हैं। क्या ये आपके बड़े भैया हैं? हाँ ये आपके बड़े भैया हैं? अरे ये तो मेरे जेठ जी हुए। अरे आज बहुत खुशी की बात है, आपके भैया मिल गए, बिछड़े थे, आज मैं भी खुश हूँ आपके साथ रहकर। अब आप भी खुश हैं, आपके भैया मिल गए हैं, बहुत खुशी की बात है। नटवर, ओ नटवरलाल, आज मुझे मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया मुझे। जी हाँ, यही मेरा छोटा भाई। मुझे एक साथ में आज कितनी खुशी मिली है नटवरलाल। नटवरलाल, मुझे आज बहुत खुशी मिली है, इसलिए भाई इधर आओ, मैं एक और तुम्हें कुछ खुशखबरी की बात बता रहा हूँ। ऐसी खुशखबरी भैया, बताइए भैया। मैं शादी किया हूँ। क्या? जी हाँ भैया, तो भाभी से मिलवाइए भैया। ठीक है, चलो तुम लोग चलो घर पर, मैं लेके चल रहा हूँ। चलिए भैया। क्या बताओ, मेरे सजन फौजी हैं, उन्हें तो टाइम ही नहीं मिलती है मेरे पास वक्त बिताने के लिए। क्या आधा जानू, आज ही आ गए? जी हाँ आई आ गया। एक बार मुझे गले से लगा लो मलाई मार के। जानू आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? आज मुझे ऐसी खुशी की बात है, मुझे मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। क्या? जी हाँ। आपका भाई भी है? हाँ मेरा एक छोटा भाई भी है। तो मेरे देवर जी हुई है? हाँ। मुलाकात कराओ ना। ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं उन सबको लेके आ रहा हूँ।
ठीक है, तुम दोनों आपस में बातें करो, तब तक मैं बाजार से उठ जा रहा हूँ। फुल्की फुल्की खाए है ई के देवरानी हमारे। अरे जेठानी खुश रहा दूधो नहा तो फल। भाभी जरा अपना घूंघट तो हटाओ। ना ना देवर जी ना, देखा हम घूंघट उठाई लेकिन मो देखाई कुछ न कुछ देवे पड़ी तो यहाँ की रसम बना। अमृत जो मैं आपको अंगूठी दी थी वो दे दो अपने भाभी को। बहुत कंजूस है बिसेला। अरे दीदी मैं कंजूस नहीं हूँ, ये कंजूस है क्या से? भाभी हाँ अब तो अपना जरा घूंघट हटाओ। देखो देवर जी। अरे हराम जाता तूने यहाँ तक भी आ गई। अमृत बाबू क्या हुआ बिसेला? ये देखो बिसेला जरा तुम भी तो घूंघट हटा के देखो एक कौन है हरामजादी यहाँ पर भी आ गई। ये हरामखोर यहाँ पर क्या कर रही है बदतमीज कहीं के? अरे मेरी बहन बिसेला। अरे बिसेला इससे मैं उस दिन माफी मांग रहा था नहीं मुझे माफ की आज इसका। अमृत अमृत बाबू आप अमृत बाबू नहीं करोगी कभी मारी थी अपना बदला चुका लो अमृत। मैं भी अमृत बाबू मुझे माफ कर दो मैं ऐसी गलती कभी नहीं। अरे पापी ने तू अरे आया गई सुनना चाहते हैं पिताजी का कातिल यही है इसका नाम विद्या है यही पिताजी को। हमारे सैयद बहगामत चल चाय पिया। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंपा। सच सच बताओ वरना चमड़ी उधेड़ लूंगा। मैं इसको जानती हूँ ये मेरी बहन है बड़ी। तुम्हारी बहन? हाँ। तुम कौन हो? मेरा नाम बिंदिया है। फिर अमृत सही बोला है। पिताजी मुझे ऐसी दशा किया? मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। पिताजी अमृत बिसेला बिल्कुल निर्दोष है। सेनापति ने सब चाल चली पिताजी उसी ने मुझे नदी में फेंका और इल्जाम अमृत पे लगा दिया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। नहीं ठीक हो जाओगी बेटी। अभी मैं डॉक्टर को बुलवाकर तुम्हारा इलाज करूं। नहीं मेरा जाने का वक्त आ गया है।
मुझे ना रोके। सब जितना भी किया कराया उस सेनापति का, उसी ने सब घर बर्बाद कर दिया। पिताजी आप उसे जिंदा मत छोड़ना। मुझे हरामजादी ने बड़ को किसान को भी मरवाया, मुझे चढ़ा दिया। ठाकुर साहब, पिताजी, ठाकुर साहब, आपकी बेटी बड़ी बिंदिया ने जिंदा थी, उसे रंजीत सिंह ने मारा। ठीक है बेटी विशाला, अगर ऐसा रंजीत ने किया है तो रंजीत मैं आ रहा हूँ हरामजादे, देखता हूँ तू किधर बच के जाता है। अरे बता देता हूँ, बता देता हूँ मैं, तू भोज की लहर बनकर और दुश्मनों पर सितम ढा दे, बिजली की लहर बनकर। ढेर से ज्यादा मारा साहेब।
बदतमीजी करता है ना रहने पर भी किया होगा हरामजादे। इसको इसके किए की सजा इसे दे दो। नंबर दो इसकी लाश को ले जाकर के उस जंगल में छोड़ दो। दोस्तों हमारी संगति ऐसी खत्म होती है।